बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में इन दिनों नजर आ रही सना मकबूल काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, चाहे वो अपने गेम को लेकर हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। अब इसी से जुड़ा एक किस्सा सना मकबूल ने सभी के साथ शेयर किया, जिसे बताते बताते उनकी आंखें नम हो गईं। अब ऐसी वो कौन सी दर्दनाक कहानी थी सना मकबूल की जिसे सुनाने में उनकी आंखें भर आईं, बताते हैं आपको इस वीडियो में। रीसेंट एपिसोड में सना मकबूल ने सभी को एक हैरान कर देने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि किस तरह से 9 महीने उनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। एक्ट्रेस की चकाचौंध वाली दुनिया के अंदर किस तरह उन्हें अपना मुंह छुपा कर रहना पड़ा था। सना मकबूल ने रीसेंट एपिसोड में इस बात को शेयर किया कि उनके साथ एक चौंका देने वाली घटना हुई थी। दरअसल सना ने बताया कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके फेस पर डॉग ने इस कदर बाइट किया कि वो सदमे में आ गई थी, क्योंकि उसके बाद उनके लिप्स पर 121 टांके आए थे। जी हाँ, 121 स्टिचेस, जिन्हें ठीक होने में ऑलमोस्ट 10 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा। और उस 10 महीनों की ज़िंदगी सना मकबूल की क्या थी, सना मकबूल ये बताते बताते रो पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरे टांके हट गए तो निशान दिखाई देते थे और वह निशान मुझे काफ़ी परेशान करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी ट्राई किया कि मैं लिप फिलर्स करा लूं, लेकिन मेरे लिप्स ने उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं इस स्कार के साथ जीना सीख गई, लेकिन इस स्कार के साथ जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आपको बता दें, जहां एक्ट्रेसेस को उनके फेस का काफ़ी ध्यान रखना होता है क्योंकि उनका एक फेस वैल्यू रखता है, वहीं सना मकबूल के साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाना काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। लेकिन एक्ट्रेस का कमबैक काफ़ी कमाल का था। एक्ट्रेस इस बात को लेकर घर में छिपकर नहीं बैठी, लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात पर जरूर ध्यान दिया कि वो इस चीज से ओवरकम कैसे करती हैं। सना ने जब बिग बॉस में भी ये बात बताई तो वहां मौजूद हर इंसान ये कहने लगा कि लेकिन सना, तुम इसके साथ भी काफी खूबसूरत हो, इस बात में कोई डाउट नहीं है। पायल मलिक हो या फिर घर के बाकी लोग, हर कोई ये कहने लगा कि ये दाग भी सना मकबूल पर सुंदर लगते हैं। वेल दोस्तों, सना मकबूल की इस दर्दनाक कहानी ने आपको कितना हैरान किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही आपका इस पर क्या कुछ है कहना मेंशन करना ना भूलें। बिग बॉस में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आ रहा है आपको सबसे ज़्यादा पसंद, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही बिग बॉस और टीवी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्में भी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए।